देते रहो यार, मतलब बोर अगर कर दूंगा ना तो भाई कट कर देना, मतलब लिटरली पॉपकॉर्न लेवल का गेम प्ले होने वाला है, तो बस देखते रहो। अब मैं उतरते ही एक पूरे स्क्वाड को वाइप करने वाला हूँ, तो वो भी देख के जाना। अभी फिलहाल तो मैंने दो बंदों को ठिला दिया, सिर्फ दो बंदे। लेकिन मैं इस वाले छत के ऊपर चढ़ता हूं तो मुझे लगता है यहां पर बंदे हैं, लेकिन गाइस यहां पर बंदा नहीं है, तो बंदा होता है सामने की तरफ घर में। वो देखो गाइस, एक बंदा उधर की तरफ गया और तभी छत पे। और इसको बहुत ही प्यार से निपटा देता हूं, निपटा दी गाइस मैं उसको, फिनिश करता हूं। तभी पीछे उसका एक और टीममेट मेरे को दिख जाता है, उसको भी निपटाता हूं। देखे खत्म कर दिया। अब गाइजर उनका सिर्फ उस पेड़ के पीछे मेरे को दिख गया, ये देखो। और इनको भी निपटा देता हूं, और दो दो स्क्वाड इजिली वाइप हो गया। इसी पर बनता है। और गाइस आज किस वाले गेम प्ले पे इतना ज़्यादा तबाही होने वाला है, जो कि आप लोग देख के ही पता चल चुका होगा कि कितना ज़्यादा तबाही होने वाला है। अभी तो मतलब गेम प्ले पूरा पूरी स्टार्ट भी नहीं हुआ, लेकिन भाई इस 15 किल हो भी गया, मतलब समझ सकते हो भाई कितना तबाही होने वाला है गेम प्ले। अब देखो यार, जैसे मैं थर्ड से निकलने वाला होता हूँ, तभी सामने की तरफ मेरे को एक ड्रॉप दिखता है, ठीक है, लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं होता है, तो मैं सोचता चलो यार पैदल पैदल ही जाते, क्योंकि उधर की तरफ से जोन था तो मेरे को इधर से ही जाना पड़ेगा। और मैं जैसे इधर की तरफ पहुँचता हूँ ना, तभी मेरे को बंदे बंदे दिख जाते हैं, और यहां से मैं स्प्रे करना लग जाता हूं। और यहां से ही मैं स्प्रे करने लग जाता हूं। यहां से ही मैं बहुत सारे बंदे को नॉकआउट भी कर देता हूं। लेकिन गाइस यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मेरा मतलब गोली खत्म हो गया यार, मतलब क्या ही बोलूँ यार, अगर गोली नहीं खत्म हो तो शायद मैं यहीं से ही सभी को टपका डालता है ना। लेकिन गाइस गोली खत्म हो गया, तो मेरे को जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा ताकि वो लोग रिवाइव ना हो जाए, ठीक है। तो मैं सीधा जल्दी से जल्दी फटाफट इधर की तरफ आता हूँ, और बस देखो क्या होता है। अब मैं इधर की तरफ जैसा तो मेरे को बंदे बंदे दिख जाते हैं, और इस वाले भाई सबको मैं निपटाता हूँ, निपटाते हैं, मैं इसको फुल फिनिश करने के लिए जाऊंगा। अब मैं इसको फुल फिनिश करने के लिए आता हूँ और फुल फिनिश कर भी देता हूँ। तो भी गाइस इसका जो टीममेट होता है वो सैक के अंदर होता है, और इसको भी निपटाता हूँ, निपटाते ही मैं इसको फुल फिनिश भी कर दूंगा। और फुल फिनिश किया, लेकिन यहाँ पर गलत सीन देखो यार, ये S12 के वाले क्या ही बोलूँ यार, बाकी गुस्सा भी आता है। बाकी आ चुके नेक्स्ट वाले गेम प्ले पे, इस वाले गेम प्ले पे फुल्ली चिकन डिनर होने वाला है, और तबाही ये तो भैया जी बोलने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग देख के समझ जाओगे। अब देखो फिलहाल तो उतर चुका था ओल्ड बेसिन पे, उतरते ही मेरे को मिल जाता है बायजोन एंड ए की यम। ओके, अब जैसे मेरे को ए की यम एंड बायजोन मिलता है, तभी मैंने एक बंदे को ठिला भी दिया। अब ये जो बंदा है ये नीचे की तरफ कूद जाएगा, लेकिन मैं इसको निपटाऊंगा ज़रूर। अब इसको मैं मारते हुए फुल फ्रेंड्स कर देता हूँ, लेकिन इसका जो पूरा टीममेट है मतलब पूरा स्क्वाड है वो भी जिंदा है, तो बस देखते रहना सभी को कैसे निपटाने वाला हूँ। और इसी वाले गेम प्ले पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सबसे बेस्ट गन PUBG मोबाइल लाइट में क्लोज रेंज के लिए कौन सा है। अब देखो पीछे से भी एक बंदा मेरे पे फायर कर रहा है, जो कि इस वाले पीले वाले घर के ऊपर में है, और इसको भी बहुत ही प्यार से बजा डालता हूँ, ठीक है। अब इसको भी निपटा देता हूँ, निपटाते गए उसको फुल फिनिश करने के लिए जाऊंगा, और फुल फिनिश कर भी दूंगा, इसको मैं फुल फिनिश कर भी दिया, ठीक है।
और देखो इसके पास से मेरे को एमोस वगैरह मिल जाते हैं। तभी गाइस इस वाले सामने वाले रेड घर के अंदर से ये देखो नेड फूटता है। अब पता नहीं किसने नेड किया, आई डोंट नो, ये खुद ही पे ही नेड कर रहा था, आई डोंट नो, है ना। तो इसीलिए गाइस मैंने सोचा नहीं यार ये अपने आप को ही नेड करके मार दे, इससे पहले मैं ही मार देता हूँ क्योंकि मेरे को किल चाहिए यार, मैं किल का भूखा हूँ। इसको निपटा देता हूँ, निपटाते में इसको फुल फिनिश भी कर देता हूँ, ठीक है। फुल फिनिश करने के बाद कैसे यहाँ पर मैं लूटा लाडी कर लेता हूँ। और गाइस यार अभी तक मैंने आप लोगों को बताया नहीं है कि कौन सा क्लोज रेंज में सबसे बीस्ट गन है, क्योंकि मैं ऐसे बताने नहीं वाला हूँ यार, दिखाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि नहीं देख के आप लोगों को समझ नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं अभी तक दिखाया नहीं हूँ। मेरे को वो वाला गन मिलने ही वाला है, ठीक है, और जैसे मेरे को वो वाला गन मिल जाता है मैं आप लोगों को बता दूंगा कि सबसे बढ़िया गन, मतलब सबसे बीस्ट गन पबजी मोबाइल लाइट में क्लोज रेंज के लिए कौन सा है। और अब से तो मैं डिसाइड कर लिया हूं कि वही वाला गन उठाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इस वाली छत के ऊपर जो बंदा था ना उसके हाथ में वो वाला गन था, शायद आप लोगों को थोड़ा सा क्लू मिल चुका होगा क्योंकि साउंड आप लोगों ने सुन चुके होंगे, ठीक है। तो इस वाले बंदे के पास वो वाला गन ना, ठीक है, और मेरे को वो वाला गन कैसे भी करके चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत से तो खोजा लेकिन मेरे को मिला नहीं, तो मेरे को उस वाले बंदे के पास से वो वाला गन मिल सकता है, तो इसीलिए मैं सीधा आ जाता हूं उसको निपटाने के लिए। अब देखना उसको मैं निपटाऊंगा, और गलती उसका नहीं है गाइस, है ना, मतलब गलती गन का नहीं है क्योंकि उसने मेरे को मार नहीं पाया, गलती उसका है क्योंकि उसने मुझे मार नहीं पाया। हाँ अब बहुत प्यार से चार दिन उसको फुल फिनिश भी कर देता हूँ। और देखो फाइनली वो वाला गन मिल चुका है, जी हाँ दोस्तों, पबजी मोबाइल लाइट में सबसे बीस्ट गन क्लोज रेंज के लिए वो है UZI। जी हाँ दोस्तों, ये छोटा सा गन आप लोगों को लग रहा होगा ये छोटा सा गन क्या कर लेगा, लेकिन यार ये छोटा डॉन है ना, ये सबसे बड़ा बड़ा डॉन है इस पबजी मोबाइल लाइट में, सच्ची बता रहा हूँ, मतलब इससे मुकाबला कोई गन नहीं कर सकता है क्लोज रेंज में, चाहे वो MK14 हो, M249 हो, चाहे कुछ भी हो। हाँ RPG-7 लेके कोई आ जाए तो वो बात अलग है, लेकिन गाइस ऐसे ऑटो फायर गन से कोई भी इस वाले गन का मुकाबला नहीं कर सकता है मेरे अंदाजे से, ओके, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल देखने को मिलेगा गाइस, ओके। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर स्क्वाड ही स्क्वाड है, तो बस देखो गाइस निपटाते हैं। गाइस मतलब UZI भाई बीस्ट, छोटा है लेकिन काम बड़ा वाला करता है, मतलब दिखने में ये छोटा है पिद्दू है लेकिन काम एकदम हाथी जैसा करता है, कसम से बता रहा हूँ, मतलब छोटा पैकेट निकला बड़ा धमाका, बोलता है ना वैसा वाला सीन है ये। देखो इस वाले घर के अंदर भी मेरे को कुछ बंदे का फुटस्टेप आ रहा था, और इसको भी निपटा देता हूं बहुत ही प्यार से। उसके बाद मैं सीधे यहाँ पर पहुँचता हूँ तो ये वाला भाई से मेरे को दिख जाता है जो कि ड्रॉप लोड नहीं वाला था, इसको भी बहुत ही प्यार से निपटा देता हूँ। निपटाते के बाद मैं सीधा बगी भी पड़ता हूँ और सामने तरफ जाता हूँ, और देखो रेड जोन भी था लेकिन मेरे को रेड जोन से डर नहीं था गाइज, मेरे को चाहिए था किल, ले गए। तो मैं सीधे इधर की तरफ आ जाता हूँ, इस वाले बंदे को निपटाने के लिए यहाँ पर दो दो बंदे थे, तो देखो कैसे निपटाते दोनों बंदों को। दोनों बंदों को बहुत ही प्यार से निपटा देता हूँ। अब यहाँ पर देखना इनके पास मेरे को फ्लार गन भी मिलता है जो कि मैं चला भी दूंगा, और यहाँ पर फर्स्ट कर देता हूँ मैं क्योंकि बहुत टाइम तक मेरे को कोई भी बंदा दिखा नहीं, मतलब लास्ट वाला एनिमी मेरे को दिखा नहीं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आप लोगों को बोर फील ना हो।
और बहुत टाइम तक वेट करने के बाद लास्ट वाला एनिमी मेरे को मिला तो नहीं, लेकिन गाइस चिकन डिनर अपुन को ही मिल गया। लाइक करके जाना गाइस।